प्रणाम आचार्य जी तो रिश्ते का छोटा सा बताऊंगा आपको कि आपको भी थोड़ा बहुत पता चले पाँच साल का रिश्ता था शादी भी होने वाली थी कुछ वजहों से कि उसका रुझान अध्यात्म भी नहीं है झूठ बोलती है चीज़ों को लेकर ताकि हमारा रिश्ता बना रहे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे ठेस पहुँचाई उस चीज़ ने और मैं मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं आ, मेरे मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ या चलाए रखूँ अध्यात्म के बारे में से जाना है तो उस तरफ लगा रखा खत्म कर दूँ फिर अंदर से एक और मन में से आवाज आ रही है क्या इस रिश्ते को उस प्यार से किया जा सकता है जो प्यार अध्यात्म में बताया जाता है जो सभी के लिए है मैं इसके लिए भी करूं या फिर मेरा ही अहम मुझे ही पागल बना रहा है डिप्रेशन ये है कि ये जो दुख है साथ छूट गया अब कभी साथ नहीं मिलेगा किसी का सुख कभी नहीं आएगा तो अंदर से जो एक चीज रोक रही खींच रही है अंदर से बहुत ज्यादा कि ये सुख कभी नहीं मिलने वाला वरुण कभी कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट कर चीजों को और आगे बढ़ वो डर और डिप्रेशन इतना बढ़ गया था अंदर कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ खा नहीं पा रहा हूं और बहुत डर ज्यादा आ रहा है अंदर से उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में तो आचार्य जी इसका मैं थोड़ा मार्गदर्शन चाहूंगा जो पहले वाली चीज है उसका वैसे तो मुझे कोई मार्ग पता है नहीं पर आपने पूछा है तो कुछ बोलेंगे थोड़ा बहुत जो जानते हैं देखो अगर मुझे पता होता कि किसी ऐसे व्यक्ति में अध्यात्म के लिए रुचि कैसे पैदा करें जो उधर को देखना ही नहीं चाहता तो ये जादू मैंने कब का कर डाला होता ना सार्वजनिक रूप से भी और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पर न तो मैं सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ कर पाया हूँ और व्यक्तिगत संबंधों में भी कोई बहुत सफलता नहीं मिली है इस दृष्टि से तो मैं तो यही कह सकता हूं कि ये बात आप पर आधी से भी कम आश्रित है इसका ज्यादा संबंध तो दूसरे व्यक्ति के अपने चुनाव से ही है आप कोशिश पूरी कर सकते हो तरह तरह की विधियां लगा सकते हो उन विधियों से आपको फायदा हो जाएगा उसको होगा या नहीं कुछ निश्चित नहीं जब आप किसी दूसरे की बेहतरी के लिए बिल्कुल साफ मन से काम करते हो जितना भी साफ कर सको पूरा तो किसी का साफ होता नहीं अधिकतम जितना भी साफ रख सकते हो उसके साथ जब तुम किसी की भलाई के लिए कुछ करते हो तो अक्सर यह पाया गया है कि दूसरे व्यक्ति को कम फायदा होता है तुम्हें ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि दूसरे को जो समझाना है उसको समझाने के लिए आप समझदार हो जाते हो नहीं तो समझाओगे कैसे तो कोशिश पूरी करके देख लो होता नहीं है बड़ी जान लगती है और एकदम हालत खराब हो जाती है लेकिन वही संभावना दस में एक की रहती है कि कुछ परिवर्तन आएगा और अगर सफलता मिलती भी है तो उसका श्रेय आपको मैंने कहा आधे से भी कम है उसका श्रेय ज्यादा उस दूसरे व्यक्ति को ही जाता है वो व्यक्ति अगर स्वयं तैयार होगा तो ही हो पाएगा तो ही हो पाएगा इस शिविर की बात लाख लोगों से ऊपर तक पहुंची होगी कम से कम हो सकता है दस बारह लाख बीस लाख इतने ही आए हैं और ये पुरानी कहावत है कि जब सच्चाई बुलाती है तो हजारों को बुलाने पर कोई एक आता है और जो आते हैं उनमें से कोई एक बात को समझ पाता है हजारों में एक आया फिर जो आए उनमें हजारों में कोई एक बात को समझ पाया और फिर जितने बात को समझ पाए उनमें हजारों में कोई एक बात को अपने जीवन में दूर तक ले जा पाया ये आज का नहीं ये बहुत पुराना नियम है एक तरीके से मैं उस नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं नहीं तो शास्त्र और उपनिषद तो बहुत साफ साफ बता देते हैं वो आपका मन रखने के लिए झूठ नहीं बोलते वो साफ कह देते हैं कि देखो हमारी बातें तो सिर्फ उनके लिए हैं जिनमें जरा योग्यता हो आम आदमी के लिए ये बातें हैं ही नहीं इस बात से मेरा मन नहीं मानता मैं वास्तव में इस बिंदु पर उपनिषदों के विरुद्ध चला जाता हूं उन्होंने तो क्या रखा है कि कोई जरूरत नहीं है सरेआम ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है हमें सार्वजनिक करने की तृषावंत जे होंगे आई है झकमारी जो प्यासे होंगे जो त्रिशावंत होंगे वो खुद ही आएंगे झकमार के तुम क्या जगह जगह ढिढोरा पीटते फिरते हो उसे कोई जरूरत नहीं है तो पुरानी बात तो ये है पर इस बात में मुझे थोड़ी कठोरता लगती है तो कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से सब तक बात ले जाने की ऐसों तक भी बात ले जाने की जो न सिर्फ ऐसी बातों से कोई रिश्ता नहीं रखते बल्कि ऐसी बातों के बिल्कुल खिलाफ हैं तो इसमें मेरा अनुभव तो यही है कि जो इन बातों के खिलाफ हो कोई चमत्कार ही होता है कि वो फिर बात को समझना सुलझना शुरू कर दे वैसे चमत्कार मैंने होते देखे भी हैं ऐसी बात नहीं है जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हो तीन सौ तीन सौ लोग वैसे ही दस पंद्रह साल पहले कॉलेज वगैरह में संवाद नाम के सत्र होते थे तो ऐसे ही बैठे होते थे वो बस इतना अंतर है कि आप सब अपनी स्वेच्छा से आए हो अपने घरों से समय निकाल करके आए हो अनुदान करके आए हो यहाँ रह रहे हो होटलों वगैरह में उसमें भी खर्चा कर रहे हो आप लोग वहाँ वो जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ के कम यस दिस वे सी एस दैट वे ई सी देयर एम यस सिविल देयर बायोटेक हेयर केमिकल इन फ्रंट तो उनको ऐसे बैठा दिया जाता था और ऐसे ही तीन तीन चार चार घंटे भी बात हो जाती थी कई बार और वो अपना कूद रहे होते तो चिल्ला रहे होते थे तो हमें जाने दो हम मर जाएंगे हमारे कान से खून आ चुका है हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो हमारे तो खेलने खाने के दिन है तो ये सब चल रहा होता था लेकिन चमत्कार हुए उन्हीं में से एक दो चार तीन सौ में से एक दो फिर निकल करके आए वो मेरे सहायक भी बने उनमें से कुछ लोगों से आप परिचित भी हैं पर अनुपात यही समझ लीजिए कि तीन सौ बैठे हैं तो एक या दो तो आपके भी मान लीजिए अगर तीन सौ अफेयर होंगे तो उसमें से एक या दो बार आप लेकिन उन तीन सौ अफसानों से गुजर के आप चमक जाएंगे आपका मोक्ष तय है प्रेमिकाओं को कुछ मिले ना मिले आप बैरागी हो जाएंगे नहीं समझती प्रेमिकाएं पक्का बता रहा हूं दिल आपका वैसे ही डूबा हुआ है मैंने और बोल दिया कहेंगे डिप्रेशन पे अचार्य दूसरी बात क्या थी? जी, दूसरी बात ये थी कि ट्रिगर तो हो गया यहाँ से डिप्रेशन अब लेकिन डिप्रेशन सिर्फ छोड़ने का नहीं खत्म होने का नहीं डिप्रेशन इस बात का आ रहा है कि अब जो ये सुख के हम ढूंढ रहा था मैं तरीके ये सब नकली था जब समझ आ रहा है सुन के उसमें डिप्रेशन ये आ रहा है कि ये आखिरी पॉइंट था अब वरुण इसके बाद खत्म कर दे क्योंकि ये चीज सच नहीं है आपने भी बताया था पहले कि ठीक ठीक याद आ गया पूरा सवाल बैठिए थैंक यू आप इतना याद रख रहे हैं कि मैंने कहा कि सुख दुख की छाया मात्र है। उस बात को आपने पकड़ लिया और जो मैंने आनंद कहा वो देखिए ये चाल होती है अहंकार की हम्म वो नेतनेते को याद रख लेता है सच्चिदानंद को भूल जाता है कि अरे बड़ी कड़ी बात है बहुत कठिनाई होगी नेति नेति करनी है नेतृत्ति करनी है। और नेतृत्ति का जो प्रसाद है सच्चिदानंद उसको भूल गए वो दोनों साथ साथ ही चलते हैं ना त्याग में जो आनंद है और त्याग में जो परम प्राप्ति है उसको जानबूझ के भूलना चाहते हो क्या ताकि त्याग ना करना पड़े बस ये याद रखना चाहते हो त्याग माने छोड़ना और उस छोड़ने से जो मिल जाती है चीज उसका कोई उल्लेख नहीं मैंने कहा नींद छोड़ दो बस यही कहोगे अरे नींद तोड़वा दी नींद तोड़वा दी और जो मिला उसकी बात नहीं करनी क्या मिला जागरण मिला उस जागरण का कोई मूल्य ही नहीं कही सपना टूट गया सपने का बड़ा मूल्य था जागृति मिली जागृति का कोई मूल्य ही नहीं बात ही नहीं कर रहे डिप्रेशन में चले गए आनंद में डिप्रेशन होता है आप इसी रास्ते पर निकलिएगा राम झूला की तरफ जाइएगा जरा अभी भी यहां पर साधु हैं और अब ऋषिकेश में काफी समय बिताता हूं तो देखता हूं उनको मुझे नहीं लगता मुझे धोखा हो रहा है आप शाम को उनके छोटे छोटे कमरे हैं वहां से निकलिए देखिए एक एक कमरे में दो दो तीन तीन रहते हैं न सुर ना लय ना ताल वो वहां बैठे अपना मैं उसको कहता हूँ जोन कहता हूँ बाकी तो हम जो सामाजिक गृहस्थ प्राणी होते हैं ये तो पंद्रह की उम्र से ही अधेड़ हो जाते हैं असली छोरे ये हैं आप उनकी मौज देखिए तो उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो क्या गा रहे हैं क्यों गा रहे हैं वो कुछ भी गा रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं समझ रहे? कुछ अच्छा भी गाते हैं मैं ये नहीं कह रहा सब बेसुरे हैं लेकिन मैं कह रहा हूं सुर से उनको बहुत मतलब नहीं है सुर अच्छा लग गया तो लग गया कहीं बैठे हुए हैं अपना देख रहे हैं मजे में आनंदित हैं सब के सब नहीं पर कुछ हैं अभी भी और आप कह रहे हैं डिप्रेशन अध्यात्म तो डिप्रेशन की दवाई है अध्यात्म में डिप्रेशन कहां से हो जाएगा बड़ी मौज आ जाती है कुछ घंटे ही उनके साथ बिता करके देखिए बड़ा मजा आएगा ये जो घूम रहे हैं ये ये निकलाइए ये जैसे ये उनके साथ दो चार दिन रह करके आया और वो देखिये दाढ़ी वाले जो घूमते रहते हैं रोहित उनका तो रोज का काम है यह ऐसे चलने लग गया है <laughs> उनका रोज का काम है दिन भर वो मेहनत करते हैं अपना दिन भर घूम रहे हैं इधर उधर रात को इनके मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर चलता है अटूट भजन अखंड गायन रुकता नहीं है एक टोली आती है फिर दूसरी आती है तीसरी आती है तो जाके उनके साथ बैठ जाते हैं बारह बजे दो बजे तीन बजे तक वहीं अपना बैठे हुए हैं अपना करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं शायद उसी रुख का नतीजा यह निकला है कि आज आप इस तरह का शिविर देख पा रहे हैं हमने ऐसा पहले कभी नहीं आयोजित किया था इसको आयोजित करने के लिए भी एक मस्त मलंग चेतना चाहिए वो साधुओं के साथ ही मिलती है काम में तनाव ही नहीं होता जबरदस्त मस्ती होती है नहीं तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे खासतौर पे आध्यात्मिक काम इतनी ज्यादा पीड़ा देता है इतने घर्षण से गुजारता है इतने विरोध का सामना करना पड़ता है उसमें कि अगर आपके पास एक मौज नहीं है आंतरिक बेफिक्री तो आप उस काम में चलेंगे ही नहीं थोड़ी दिन बाद आप ढहना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया सोचिए तो सही अब ये है शुभंकर ये रात में यहाँ पर ही रहते हैं इसके बाद मुझे वापस लेकर के जाता है मेरे साथ बैठेगा का, काम होगा आप लोगों की अगले दिन की जो वेन्यूज़ है मॉर्निंग एक्टिविटी की उन पर निर्णय होगा उसके बाद बैठ करके ये दिन भर के रुपए पैसे का हिसाब करेंगे कहाँ खर्च हो गया कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं कल किसको कितना देना है ये सब करेंगे ये सोते हैं दो बजे तीन बजे और सुबह आपकी गतिविधि कितने बजे शुरू हो जाती है साढ़े छ साढ़े छह आपके पास पहुंच जाते कर ही नहीं सकते आप में से कौन अपनी जॉब में यह कर सकता है आपकी जॉब ही ऐसी नहीं है कि आप ये कर पाओ और इसने कल ऐसी नालायकी की हरकत की सो रहा था मैं था बाकी सब तो थे नहीं बाकी क्यों नहीं थे कोई यहां पे पढ़ के सो रहा है कोई यहां सो रहा है कोई वहां सो रहा है तो हम जहां पर थे वो जगह खाली पड़ी हुई थी तो ये सोया तीन साढ़े तीन बजे मैं भी तीन साढ़े तीन सोया उसके बाद ये वहां से निकलने लगे आपके पास पहुँचने के लिए मॉर्निंग एक्टिविटी वो भी निकलने क्यों लगे हाँ निकलने लगे तो इन्हें लगा कि ये दरवाजा खुला रह जाएगा ये चले जाएंगे तो, तो इन्होंने आके मुझे जगा दिया उठिए और मैं कुल तीन घंटे सोया हूँ उठा दिया उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई तो कल मैं भी पूरे तीन ही घंटे सो गए पूरे दिन अपना चलता रहा चार घंटे आपके साथ सत्र लिया ये आप किसी साधारण काम में थोड़े ही कर सकते हैं ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि सच की मौज होती है उस मौज में तनाव डिप्रेशन ये सब पीछे रह जाते हैं मैंने तो नहीं कहा कि तनाव डिप्रेशन होते नहीं है मैंने कहा पीछे रह जाते हैं अंतर समझ लीजिएगा तनाव तो देखिए हम भी बहुत भारी झेलते हैं लेकिन वही है कि पता रहता है कि तनाव है तो है काम करो कुछ और है चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है काम करो हुँ? बीच बीच में ऐसा लगेगा कि कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा सबको लगता है ठीक है सबको उन पलों को गुजर जाने दीजिएगा बस शांत रह करके गुजर जाने दीजिएगा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा उस समय ये आप में से जो भी लोग उत्साहित हो गए हो कि अब हम कुछ जरा अच्छा जीवन जिएंगे, आध्यात्मिक निर्णय लेंगे आपको सबको मैं अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं बीच में लगेगा कहीं मेरा और बहुत जोर से जवाब आएगा हां उस समय कुछ मत करना बस उस सम उस फेज को गुजर जाने देना कोई निर्णय मत ले लेना देखिए दबाना छुपाना होता तो मैं बहुत सारे और काम थे वो कर सकता था आपके साथ वो करना मेरा उद्देश्य नहीं है पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा लेकिन बताई देता हूं ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी भी सत्र में आने के लिए मैं बहुत उत्साहित रहा हूं मेरे लिए एक झंझट होता है क्योंकि मैं उससे पहले काम कर रहा होता हूँ और मुझे ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता है मैं आमतौर पे बॉक्सर शॉर्ट्स में रहता हूँ ऊपर बनियान या टी शर्ट में और अपना मज़े से कहीं बैठ के लेट के कुछ कर रहा होता हूँ फिर ये पहनो फिर बाल कंघी करो फिर ढूंढो मोजे कहाँ रखें ये करो वो करो गाड़ी में बैठो यहाँ वो तमाम तरीके का दिखावा ये सब और वो जो मैं काम कर रहा होता हूँ महत्वपूर्ण होता है तो ऐसा नहीं है कि आनंद की बाहर आई हुई है हर समय और आप कह रहे हो चलो 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 भगवान जी का काम है वो तो करना ही है चलो बुलावा आया है हाँ यहां एक बार बैठ जाता हूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है इसमें मन लग जाता है फिर पांच घंटे बात करें तो पांच घंटे कर सकते हैं फिर मैं यहां से बाहर निकलूंगा और याद आएगा इतनी सारी चीजें पड़ी चलो जल्दी वो निपटानी है तो बहुत समय तक और बहुत दूर तक भी जा करके ये एहसास तो बना ही रहेगा कि तनाव है झंझट है लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा मिला रहेगा जो उस तनाव और झंझट से ज्यादा मूल्यवान है तो आप अपना काम करते रहेंगे समझ रहे हैं आप बात को बीच बीच में ऐसा होता था कि सुबह सत्र आयोजित हो जाते थे और वो मेरे लिए बड़ा दुखदायी होता था क्योंकि वही मेरे सोने का समय होता है तो उठ करके मैं कैसा अनुभव करता था वो मैं ही जानता हूं ऐसे बैठ रहता था, था बहुत देर तक मैं ये क्यों कर रहा हूं बस यही सवाल मैं क्यों कर रहा हूं अपने साथ आप दो ढाई घंटे सोए और नींद बस अब गहरी हो रही थी और आपको जगा दिया गया जिसने जगाया उसकी भी शामत है उसको ऐसे जलती हुई आंखों से घूरा जा रहा है अब वो ना उठाए तो भी उसकी शामत है क्योंकि खुद ही बोला है उठा देना तो ये सब रहेगा शरीर तो विरोध करता ही है स्थितियां भी विरोध करती हैं आपको चलते रहना है हुँ? क्या कहा था कल पिटते रहो उठते रहो और अंत तक पिटोगे कम से कम मैं तो अभी तक पिट रहा हूँ आगे ना पिटूं तो पता नहीं प्रणाम है सर जी सर जी प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि अभी जीवन में मेरे आगे दो रास्ते दिखते हैं मुझे कि एक तरफ मतलब सि सि सिक्योरिटी दिखती है और समाज में प्रतिष्ठा दिखती है और काम वासना की पूर्ति दिखती है शादी की तरफ और दूसरी तरफ लगता है कि जैसे आपने दादा गिरे गिरोगे और उठोगे तो थोड़ा मतलब हिम्मत की कमी वहाँ लगती है दूसरा मन में ये भाव बहुत बार आता है कि जैसे जिनके साथ ना पैसे मतलब रिश्ता था मेरा तो मैं उनको अपने साथ ले लूँ तो कहीं कही ना कहीं मैं उनको भी ऊपर उठा पाऊँगा तो आसक्ति एक वो मेरे उनके साथ जुड़ी हुई है अभी भी अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जहाँ तक मैं ऊपर उठा पाऊँ लेकिन वो मतलब जैसे आपके बारे में कुछ बताता हूँ तो वो रिसर्च करते हैं मतलब मुझे उस तरफ नहीं जाना तो ये थोड़ा द्वंद भाव रहता है कि मैं जान के ही मन में भाव आ रहा है कि मैं उनको साथ लूँ या हिम्मत करके मैं अपना अलग उस रास्ते पे चलूँ देखो दो बातें होती हैं दूसरों के साथ चलने में प्यार बहुत है इसलिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो या अकेले चलने से डर लगता है इसीलिए भीड़ में दूसरों के साथ चलना चाहते हो दो वजहों से आदमी चार लोगों को साथ लेकर चलता है हाँ या ना एक वजह यह होती है इन चार से मुझे बहुत प्रेम है तो इनको चार को साथ लेकर चलूंगा और दूसरा यह होता है अकेले चलने में डर लगता है इन चार लोगों से भी डर लगता है कि अकेले चल दिया तो पीछे से घसीट के मारेंगे तो कह रहा हूँ चलो चलो सब चलो ना हम्म जैसे नए नवेले दंपति होते हैं संयुक्त परिवार में उनको जाना है बाहर डिनर करने अब जाना तो अकेले ही चाहते हैं पर घर की परंपरा है कि जहां जाता है पूरा खानदान जाता है अट्ठाईस जाते हैं वहां पर टेबल नहीं रिजर्व होता पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व किया जाता है तो जाना तो अकेले जाते हैं पर फिर सबसे बोलेंगे चलो ना चलो ना तुम भी चलो ना चलो चलो तुम भी चलो तुम भी चलो अब बोलिए इसी ले रहे हैं कि चलो खाना पूर्ति कर दें लेकिन पांच सात ऐसे भी होते हैं जो कह ही देते हैं हाँ चलते हैं ना और फिर एक दूसरे की ओर दोनों देख रहे हैं कि ये चल दिए क्यों लेना चाहते हो दूसरों को साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़ोगे तो बहुत मारेंगे मैं तो पूछ रहा हूं मुझे क्या पता मुद्दा आपका है दूसरों की बेहतरी के लिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो या अपनी बेहतरी के लिए दूसरों को साथ लेना चाहते हो बोलो उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं अब सुनो एक सूत्र आप उनको जिस राह ले जाना चाहते हो वो उस राह पर अपने आप उस दिन आपके पीछे पीछे आएंगे जिस दिन उन्हें दिख जाएगा कि उस राह पर आप उनके बगैर अकेले भी चल सकते हो बात थोड़ी विरोधाभासी है जिस दिन तक उन्हें पता है कि सच की राह पर आप अकेले चल ही नहीं पाओगे क्योंकि आप बड़े दुर्बल हो वो आपके साथ आएंगे नहीं और नहीं आएंगे बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि अगर आप दुर्बल ही हो तो सच की राह पर कर क्या रहे हो क्यों कहेंगे ये मसखरा ये हमको अध्यात्म सच्चाई बताएगा बैठे यहां और आप बैठ भी गए तो क्यों आपके साथ आए क्योंकि आप तो हो ही दुर्बल आप उनके पीछे पड़े रहो उनकी मन्नतें करते रहो आप उनके चरण धोधो के पीते रहो वो आपके साथ नहीं आएंगे आप खूब मनाओ नहीं आएंगे जिस दिन उन्हें दिखेगा कि सच्चाई ने ही आपको इतनी ताकत दे दी है कि वो आए या ना आए आप चलोगे सच के रास्ते पर ही वो खुद ही आपके पीछे पीछे आएंगे अभी आप उनको बुला नहीं रहे हो अभी तो आप उनसे भीख मांग रहे हो कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं तुम आ जाओ ताकि मैं चल सकूं क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं चल ही नहीं पाऊंगा मुझ में इतना दम ही नहीं है कि अकेले चल पाऊं वो कह रहे हैं जब तुम में दम ही नहीं अकेले चल पाने का तो तुम्हारे रास्ते में फिर कितना दम है उस रास्ते में आए क्यों जो रास्ता तुम्हें इतना दम भी नहीं दे पाया कि तुम अकेले चल पाओ उस रास्ते पर हम उस रास्ते पर क्यों आए पहले प्रमाणित करो ना उस रास्ते में जान कितनी है अकेले चलो और परवाह मत करो कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर पीछे से आवाजें सुनाई देंगे अरे धीरे चलना जरा हम आ रहे हैं ना जानते नहीं हो बूढ़े घुटने धीरे धीरे चल पाते हैं थोड़ा सहारा दिया करो फिर आ जाएंगे पीछे पीछे दम तो दिखाओ ये संसार शक्ति पर चलता है अशक्त के लिए यहां कोई जगह नहीं सच को मजबूत लोग चाहिए और मजबूती सच से आती है सच की राह पर दुर्बलता का कोई काम नहीं कमजोर आदमी को तो संसार में भी कुछ नहीं मिलता उसको संसार के पार क्या मिलेगा कमजोर आदमी तो इस स्थूल दुनिया में भी कुछ नहीं पाता आत्मा क्या पाएगा कमजोर आदमी दो किलो वजन नहीं उठा पाता आत्मा में तो गुरुता की पराकाष्ठा है उसका भार बहुत ज्यादा है कैसे उठाएगा और ये नहीं कर सकते कि पहले मजबूत हो जाऊंगा फिर सच की ओर जाऊंगा मजबूती आएगी भी सच से ही तो बल को याद रखा करो बल के बिना कोई अध्यात्म नहीं और दुर्बल के लिए कमजोर आदमी के लिए कहीं बिल्कुल कोई जगह नहीं यह तो कहिएगा ही नहीं कि मैं कमजोर हूं दुनिया में मुझे कोई जगह नहीं मिलती मैं इसलिए मंदिर में जाकर बैठ गया हूं अगर मंदिर सच्चा होगा तो कमजोर आदमी को मंदिर भी आश्रय नहीं देगा मंदिर दुर्बलता को आश्रय देने के लिए नहीं दुर्बलता को मिटाने के लिए होता है आप मंदिर जाकर के बोलो दुर्बल हूं दुर्बल रहूंगा नहीं तो मंदिर आपके लिए है पर आप कहो मेरी दुर्बलता को छांव दो पनाह दो मंदिर आपके लिए नहीं है आरी बात समझ में देखो ये सब जो है ना अपने तो अपने होते हैं अपनों को तो साथ लेकर चलना ही होता है ये बड़े अच्छे वक्तव्य होते अगर ये प्रेम से आ रहे होते ये प्रेम से नहीं आ रहे होते ये डर से आ रहे हैं परायों से कहाँ इतना डरते हैं सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आप कह रहे थे ना कि हम में से कई लोग तो घर पे बता के भी नहीं आए कि यहां आ रहे हैं अब सुनिए मजेदार बात संस्था के कुछ लोग यहां सालों से होते हुए भी घर पे बता नहीं पाए कि संस्था में काम कर रहे हैं ये अपने हैं ये अपने हैं जिन्होंने इतना खौफ छेद रखा है दिल में ये अपने हैं कि तुम उनको ये नहीं बता सकते कि तुम संस्था में काम कर रहे हो ये अपने हैं दुश्मन चाहिए कोई बाहरी ये अपने हैं अपने तो अपने होते हैं पन का अर्थ अध्यात्म ही बताता है अध्यात्म नहीं है आपके जीवन में तो प्रेम नहीं होगा प्रेम की बड़ी ललक हो जिन्हें वो वेदांत की ओर आए जिसने यह समझ लिया सिर्फ उसी के जीवन में प्रेम उतर सकता है और अगर आप इसको देखना सुनना समझना नहीं चाहते तो बहुत झूठे किस्म का प्रेम पाले बैठे हैं आप और उस झूठे प्रेम को बचाने के लिए आप उपनिषदों से दूर भागते हैं वो कौन सा प्यार है जो तो सच बर्दाश्त नहीं कर सकता प्यार अगर सच के साथ नहीं है तो कैसा है झूठा प्यार झूठा प्यार कुछ फरमाया फिर अभी दिक्कत क्या हुई है सौ से ऊपर चैनल उगाए हैं यूट्यूब पर जो हमारे चैनल की सामग्री लेते हैं और उसमें से कुछ निकाल करके वहां डाल देते हैं और वो वही सब कुछ निकालते हैं जो नहीं निकाला जाना चाहिए वैसे एक आध दो तो यहां भी होंगे हैं कौन है भाई हाथ खड़ा करो मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथ कौन वो सब करता है आज नहीं आए शिविर तक में आए <laughs> नोट करने कि कौन कौन सा माल निकाला जाएगा इससे अभी मैं ये गा दू तीन दिन के अंदर वो बस इतना सा निकाल के अध्यात्म क्या कहेंगे हमने तो देखी अध्यात्म की सेवा करी आचार्य जी की बात जन जन तक पहुंचाई है इसीलिए ऋषियों ने कहा है कर्म पर मत जाना उसके पीछे की नियत देखना आचार्य जी की बात जन जन तक पहुंचाई जा रही है या मजाक बनाया जा रहा है अब देखिएगा वो थंबनेल वगैरह कैसे लगाते हैं और ऐसे दो चार एक दर्जन दो दर्जन नहीं है सौ से ऊपर है अच्छी बात है अब इससे क्या समझे आप इससे ये समझो कि अच्छाई कितनी जरूरी है बुराई के लिए बुराई अगर पूरी बुरी हो गई तो मिट जाएगी दूध वाला पूरा ही पानी दे दे तो मिट जाएगा समझ में आई बात अच्छाई बहुत जरूरी है बुराई को कायम रखने के लिए दूध वाले ने पूरा ही पानी दे दिया तो मिट जाएगा थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई ये दूर तक जाती है बुराई को बचाना है तो उसे आटे में नमक की तरह मिला दो बहुत दूर तक जाएगी अब ऐसी नजर होनी चाहिए जो तुरंत पकड़ ले यहां तक ठीक इसके आगे ठीक नहीं ये नहीं कि यह तो आदमी अच्छा है तो जो करेगा अच्छा ही करेगा यह तो आदमी बुरा है जो करेगा बुरा ही करेगा ना हर जगह विवेक निरंतर लगातार सतर्कता और उसका अभ्यास किससे शुरू करना है अपने से